जंप करके चलता है और डक क्या है भाई डक जो है वो हमेशा आपको पानी में मिलेगी तो यहाँ पर जो डक है वो जैसे ही कैंगरू को देखती है शी इज काइंड ऑफ हैज इट्स एन इंटरेस्टिंग लाइफ बट उनको खुद की लाइफ जो है डक को बहुत बोरिंग लगती है बिकज शी काइंड ऑफ के नॉट मूव आउट ऑफ द वो हॉप नहीं कर सकती तो वो कैंगू से यू नो कॉन्वर्जेशन करती है कि वाह यू हैव एन अमेजिंग एबिलिटी टू हॉप टू जंप और क्या यू you नो know, तुम मुझे भी बाहर ऐसे राइड के लिए लेके जा सकते हो घुमाने ले जा सकते हो तो इस बात पे कैंगरू जो है वो ये बताते हैं बिकॉज योर फीट आर वेरी कोल्ड तो इस वजह से क्या हो सकता है अगर मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठा के ले जाऊँ राइड के लिए तो आई माइट गेट बॉडी पेन मुझे र्यूमेटाइटिस हो सकता है सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया बट डक इज़ लाइक शी इज ऑलरेडी प्रिपेयर शी वेरी पोलाइटली गिवज हर यू नो एग्जाम्पल्स गिव्स हर सजेशइेस जो कि कैंगरू को अल्टीमेटली बहुत अच्छे लगते हैं एंड कैंगरू का जो मेन यू नो सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं जो कन्विंस हो जाते हैं वो एंड ही डिसाइड्स की येस ही वुड टेक द डक फॉर अ राइट और इस तरीके से यू नो एट दैन यू कैन सी द सेम सिनारियो अ डक गोज ऑन अ राइड विद दिस कैंगरू सो वॉट एग्जैक्टली है वो एडवाइजेज होती हैं वॉट इज द एग्जैक्ट कॉन्वर्जेसन बिटवीन द टू दैट इज समिंग दैट वील सी इन दिस पोअम नाउ दिस इज सिंपली अ कॉन्वर्जेशन बट ऑल्सो हर एक चीज में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सो इफ यू थिंक इस पूरी पोअम की क्या थीम हो सकती है भाई डक और कैंगरू में बस एक कॉन्वर्जेसन चल रहा है बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ आपको ये एक चीज़ तो ज़रूर सीखने को मिलती है कि आपको अगर किसी भी बड़े से बड़े इंसान से कुछ हेल्प चाहिए हो कुछ काम कराना हो दैट यू कैन डेफिनेटली डू अगर आप पोलाइटली बड़े प्यार से उनसे बात करें बहुत पोलाइटली अपने सजेशंस दें अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्लेस करें सो दिस कैन डेफिनेटली हेल्प यू सो दैट दैट पर्सन कैन हेल्प यू विद वॉट यू वॉन्टेड सिमिलर वे में डक और कैंगरू को कंपेयर करें तो कैंगू इज़ अ बिग एनिमल बस डक इज वेरी स्मॉल राइट बट देन टू शील बी एबल टू कन्विंस कैंगू टू जस्ट यू नो टेक हर On his back for a ride. So this is something we'll get to understand from this poem. Now let's read the introduction of the poet, that is, Edward Lear. See in two to three lines what exactly we are going to read, and then we'll begin with the very first stanza of this poem. So the poet, that is, Edward Lear, he was born on May 12 and died on 29 January 1888. Was an English artist.

as if you never would stop my life is a bore in this nasty pond and i long to go out in the world beyond i wish i could hop like you said the duck to the kangaroo तो यहाँ पर हर जगह आपको ये लाइन दिख जाएगी दैट इज सेड द डक टू कंगारू यहां पर ये बताया जा रहा है कि हर वर्क जो डक है वो किससे बात कर रही है कंगारू से तो ये जो कन्वर्सेशन है वो आपको पता चल रहा है कि डायलॉग्स हो रहे हैं तो डक क्या कहती है कंगारू से गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप अब गुड ग्रेशियस क्या है ये एक एक्सप्लेमेशन है जो क्या बताता है सॉर्ट ऑफ एस्टोनिशमेंट बताता है इसे आप कंपेयर कर सकते हो विथ ओ माई गॉड जब आप कुछ भी ऐसा यू नो देखते हो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग uh, हो या बहुत सरप्राइजिंग हो आपके लिए आप एस्टोनिश हो जाओ उसको देखकर तो आप ऐसी बोलते हो ओ माई गॉड तो सिमिलरली हाँ डक जो है वो क्योंकि ये देखती है कि कैसे कंगारू जो है वो क्या कर रहा है हॉप कर रहा है कह सकते हो जंप कर रहा है इसे देखकर डक फील्स यू नो शी इज सरप्राइज शी इज लाइक ओ माय गॉड गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप द वे यू जंप कैसे तुम कर लेते हो

माई लाइफ इज अ बोर इन दिस ने पॉन्ट फिर डक जो है वो अपनी लाइफ के बारे में किंगारू से बात करती है कि माई लाइफ इज अ बोर तो माई कौन है यहाँ पर वो है डक तो डक जो है किंगारू से ये कहती है कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत बोरिंग है बिकॉज शी स्टेज इन दिस ने पॉन्ट नेस्टी मीन्स अनप्लेजेंट बैड समथिंग यू डिसक तो यहाँ डक का ये कहना है बिकॉज शी इज यू नो स्टैंडिंग ऑन शी इज ऑलवेज लिविंग इन दिस वाटर शी इज लाइक ये बहुत ही बेकार है वो उसको पसंद नहीं करती बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इन दिस पॉन्ड तो नेस्टी पॉन्ड इसीलिए बोला गया एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियड ना डक का जो वर्ल्ड है वो लिमिटेड हो गया है इस पॉन्ड में ठीक है तो शी इज ऑलवेज लिविंग इन दिस पॉइंट बट वेन शी ऑब्जर्वस कंगारू दैट ही कैन हॉप ही कैन जम्प ही कैन गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड सिमिलरली डक ऑल्सो हैज द एम्बिशन टू मूव अराउंड वर्ल्ड टू जस्ट गो यू नो समवेयर बियॉन्ड दिस पॉइंट यानी सिर्फ यहीं पर नहीं रहना है उसको उसको यहाँ से आगे कहीं और जाना है इन द कंप्लीट वर्ल्ड तो शी इज ऑफ द व्यू दैट आई वुड लाइक टू गो समेयर एल्स बियॉन्ड इन द वर्ल्ड एंड दैट इज समथिंग शी के नॉट डू बिकॉज वो तो पानी में ही रह सकती है पूरा टाइम वो हॉप नहीं कर सकती

तो क्या जिस्ट निकलता है कि डक जो है शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी विथ वेयर शी इज लिविंग बिकॉज इट्स समथिंग लिमिटेड फॉर हर शी के नॉट मूव अवे फ्रॉम दिस होता है ना जैसे अगर आपको दस दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दें तो आप बोर हो जाओगे दस दिन या पांच दिन में बोर हो जाओगे यू वुड लाइक यू वुड कम यू वुड वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द रूम यू वुड बी लाइक कि मुझे घर में रहना ही नहीं अब तो बाहर देखू मैं कुछ राइट बट डक जो है वो हमेशा पानी में रहती है तो शी इज ऑफ द व्यू की वैन शी सॉ कंगारू जम्पिंग हॉपिंग शी वॉज सरप्राइज शी वॉज एस्टोनिश्ड एंड शी फील्सो शुड बी एबल टू हॉप लाइक अंगारू शी विश इज दैट क्लियर नो शी इज लाइक यू नो कि जो कंगारू है ऐसा नहीं है कि वो अपनी ही जगह पे हॉप कर पाता है वो कहीं पे भी फील्ड्स पे पानी पे हर जगह वॉक कर सकता है वो कहीं भी जा सकता है पूरे वर्ल्ड में इसीलिए डक को भी ये एबिलिटी जो है जंप करने की हॉप करने की वो चाहिए क्लियर ऑल राइट चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम में क्या बात होती है प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सेट द द दंगारू आई से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू and we would go to the D and the jelly bully over the land and over the sea please take me a ride oh do said the duck to the kangaroo ab yahan par again wahi cheez chal rahi hai duck is talking to kangaroo she is telling to kangaroo that please give me a ride on your back वो जो है request करती है कि काश ऐसा क्या नहीं हो सकता कि तुम मुझे you know अपने back पे अपनी tail पे बिठाकर ride के लिए ले जाओ घुमाने ले जाओ said the duck to the

और मैं कुछ बात नहीं करूंगी एक्सेप्ट मैं क्वैक क्वैक करूंगी बिकॉज दैट इज समथिंग शी हैज टू डू राइट वो तो वही साउंड प्रोड्यूस करती है तो डक जो है वो कंगारू से कहती है कि प्लीज मुझे अपने साथ यू you नो know, अपने बैक पे बिठा के राइड पे ले जाओ और मैं कुछ नहीं करूंगी मैं शांति से बैठूंगी और मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करूंगी द होल ऑफ द डे होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू और कंप्लीटली पूरे दिन मैं यही करूंगी आई वुड सिट क्वाइटली जस्ट आई वुड से क्वैक एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेलीबू ली यहाँ पे वो दो प्लेसेज मैंशन करती है कि मुझे यहाँ जाना है हम जो है एक साथ डी घूमने जाएंगे और हम एक साथ जेलीबू ली भी जाएंगे ओवर द लैंड एंड ओवर द सी वो बोलती है हर जगह जाएंगे बिकॉज अ कंगारू कैन हॉप ओवर द फील्ड ओवर द लैंड एंड ओवर द सी बॉथ सो ड्यू कि हम हर जगह घूमने जाएंगे हम लैंड पे भी हॉप करते हुए घूमने जाएंगे राइड के लिए हम सी में भी घूमने जाएंगे प्लीज टेक मी अर राइड और डू शी इज लाइक शी इज रिक्वेस्टिंग कंगारू दैट प्लीज टेक मी फॉर अ राइड बिकॉज शी जस्ट यू नो वॉन्ट्स दैट शी इज डिजायरिंग फॉर दैट राइड फ्रॉम सो लॉन्ग तो शी फील्स की कंगारू से वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे इस राइड पर लेके चलो सेट द डक टू द कैंगरू और बात कौन कर रहा है डक ही कर रही है कंगारू से तो अगेन दैट लाइन इज रिपीटेड सो इन द सेकेंड स्टैंड ऑफ वॉट वी सी एज की डक जो है शी इज रिक्वेस्टिंग द कंगारू टू टेक हर ऑन हिज बैग फॉर अ राइड

तू तो मुझे राइड के लिए अपने बैक पे लेके जाओ कुछ नहीं करूंगी सिर्फ क्वैक क्वैक करूंगी हम जो है लैंड पे पानी पे हर जगह घूमने जाएंगे हम जो है डी जेलीबूली ऐसी जगहों पे भी घूमने जाएंगे तो शी इज लाइक रिक्वेस्टिंग द कंगारू नाउ लेट्स सी कि कंगारू को क्या लगता है इज ही ओके विद दिस आइडिया इज ही ओके टू टेक द डक ऑन हिज बैक फॉर अ राइड और ही वुड स्ट्रिक्टली टेल अ नो टू डक ऑल राइट लेट्स रीड इट

केंगारू. अब इसमें क्या कर रहे हैं वो डक को रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं मतलब और यानी कि एक उनको सोच विचार जिसे आप बोलते बोलते हो उसे कहते हैं हैं तो कंगारू बोलते हैं कि भाई ये जो आइडिया है तुम्हारा कि तुमको मुझे बैक पे बिठा के राइड पे ले जाना है इसके बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा आई नीड टू थिंक अबाउट इट पर होल इट ब्रिंग मी लक बोलते हो सकता है कि यू you नो know, इस तरीके से अगर मैं कुछ करूं तो माइट बी दिस इज गुड फॉर मी ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं तुम्हें हाँ बोल दूं तो इसकी वजह से कुछ अच्छा ही हो मेरे साथ मैं तुम्हें राइड पर लेके जाऊं एंड सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन बोलती है बट एक ऑब्जेक्शन है मुझे एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें यू you नो know, लेके जाऊं राइड पे या नहीं अब वो क्या ऑब्जेक्शन है लेट्स रीड अबाउट इट विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड यानी कंगारू बोलते हैं कि डक से अगर तुम मुझे अलाव करो कि मैं तुम्हारे फेस पे सच बोलूं मैं बोल्डली जो है तुम्हें सच सच बता दूं वो ये है कि योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड अब डक जो है वो पूरा टाइम पानी में रहती है तो उसके पैर जो हैं वो क्या हैं अनप्लेजेंटली यानी बहुत ज़्यादा गीले हैं बहुत ज़्यादा ठंडे हैं तो कंगारू इज़ लाइक कि डक के जो फ़ीट हैं तुम्हारे जो फीट है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं बहुत ज़्यादा गीले हैं और अगर मैं तुम्हें बिठाऊंगा एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस और अगर मैं तुमको अपने राइट right के लिए ले जाऊं मैं तुम्हें अपने बैक पे बिठाऊं तो उस ठंडे फीट की वजह से मुझे रूमैटिस हो सकता है मतलब रूमेटाइटिस हो सकता है जिसका मतलब है रिफर्स टू द डिसीज़ ऑफ र्यूमेटा र्यूमैटिजम दिस मीन्स बॉडी पेन हो जाता है जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन हो जाएगा तो गंगारो इज ऑफ द व्यू कि अगर मैं डक को बिठाता हूँ अपने लिए अपनी राइट के लिए नो बैक पे तो उसकी कोल्ड फीड जो है उसके इतने ठंडे पैर हैं वेट पैर हैं उसकी वजह से मुझे जॉइंट पेन बॉडी पेन हो सकता है रूमेटाइटिस हो सकता है तो इस वजह से ही इज ऑफ द व्यू कि मुझे सोचना पड़ेगा यू नो आई वुड हैव टू टेक सम टाइम इट नीड्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन बिकॉज ही फील दैर इज वन ऑब्जेक्शन दैट इफ ही मेक्स डक सिट ऑन हिज बैक एंड गोज फॉर अ राइड देन द फीट ऑफ द डक दैट आर कोल्ड एंड दैट आर यू नो वेट दैट माइट गिव दम र्यूमेटाइटिस दट इज अ डिसीज दैट इज बॉडी पेन व्यू so की मुझे थोड़े टाइम के लिए सोचना पड़ेगा थोड़ा पॉन्डर करना पड़ेगा आई हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन आई वेल कम टू अंक्लूजन वेदर आई शुड टेक यू फॉर अ राइड और नॉट क्लियर तो इस पूरे स्टैंड में सिर्फ कंगारू की बात हो रही है कि उनका क्या मानना है उनके एडवाइस पे सजेशन जो है डक का क्या वो उनको ले जाना चाहेंगे या नहीं उनको लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जो पैर है डक के वो इतने गीले और इतने ठंडे हैं कि उसकी वजह से कंगारू को बॉडी पेन हो सकता है रोमेटाइटिस हो सकता है तो इसीलिए वो थोड़ा यू नो डिलेमा में है ही इज अ लिटिल बिट पा

ऑल टू फॉलो माई ओन डियर थ्रू लव ऑफ अंगारू अब यहाँ पर डक जो है वो रिप्लाई करती है किंगारू को बिकॉज केंगारू इज एन डिलेमा की इसकी फीट की वजह से मुझे इशू हो सकते हैं तो उसका भी एक सोल्यूशन निकाल के रखा है डक ने वो क्या बोलती है एज आई सेट ऑन द रॉक्स जैसे ही मैं रॉक्स पर बैठी मैं पत्थर पर बैठी मुझे कुछ दिमाग में कुछ सोच आई मैंने कुछ सोचा और वो ये था आई हैव थाट ओवर दैट कम्प्लीटली कि मैंने इस बारे में सोचा था कि मेरी वेब फीट है मेरी यू नो थी फीट है इसकी वजह से कुछ इशू हो सकता है सो आई वो ऑलरेडी थॉट अबाउट डेट एंड आई बॉट फोर पेयर ऑफ वर्स्टेड वर्स्टेड का मतलब होता है वोलन जो वुलन सॉक्स होते हैं जो आप यू you नो know, पहनते हो सॉफ sort वॉन्थ of के लिए उन्हें कहते हैं वोस्टेड सॉक्स तो यहाँ बोल रही हैं डाक कि मैंने इसी लिए फोर पेयर्स ऑफ सॉक्स खरीद लिए थे यानी टोटल एट पीसेज हैं सॉक्स के मैंने खरीदे हैं टली अब वेब फीट होती है अगर आपने डक्की फीट देखी हो तो वो शॉर्ट sort ऑफ of इस तरीके से होती है इस तरीके से वेब्ड फीट होती है इसको कहते हैं वेबड फीट ठीक है तो इस फीट को कम्पलीटली कवर कर लेते हैं ये सॉक्स तो वो सॉक्स पहन लेंगी तो क्या होगा अब ठंडे नहीं लगेंगे कंगारू को उनको पैर तो उन्होंने सॉक्स खरीद लिए एंड दीज सॉक्स फिट हर फीट वेरी नीटली एंड टू की कोल्ड आई है बोलती हैं और ठंड को भगाने के लिए मैंने क्लोक यानी मैंने एक श्रक भी खरीद लिया है शॉर्ट ऑफ वुलन कपड़े खरीद लिए हैं ताकि मैं पहन लूँ उसको और उससे जो है हमें ठंड नहीं लगेगी एंड एवरी डे अगार आयल स्मोक अब यहाँ पर रख बोलती हैं कि क्योंकि ठंड लग सकती है तुमको तो मैं पूरा टाइम क्या करूंगी मैं हर दिन एक सिगार स्मोक करूंगी यानी कि मैं स्मोक क्यों करूंगी क्योंकि उससे यू नो वार्म होगी बॉडी में इस वजह से यू नो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी तुम्हें रिमेटाइटिस नहीं होगा और टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ अंगारू और क्यों बोलती है ऐसा वो क्यों करेंगी क्योंकि वो कंगारू के लिए केयर करती हैं वो लव और अफेक्शन वो दिखाना चाहती हैं कि मेरे जो डियर हैं जो हैं क्या कंगारू उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए उन्होंने ये सोल्यूशन ढूंढ के रखे हैं क्लियर सो वेन कंगारू इज यू नो इन अ डिलेमा That whether I should take a duck or not for the ride, that time he is thinking that jo feet hai that are so unpleasantly cold and wet that that might give kangaroo rheumatitis. But duck is of the view that I have already thought about it. I have already you know reflected upon this thought and that is that I have already bought four pairs of socks that would keep you know her feet warm. Also, she will make sure that she wears this cloak that is a shirak. एंड ऑल्सो स्मोक्स अगार एवरी डे सो दैट शी कैन टेक केयर ऑफ अ लविंग कंगारू तो ये कंगारू से यही बोलती हैं कि मैंने भी इस बारे में सोचा था बट इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाल लिया है और वो क्या है मैंने फोर पेयर ऑफ सॉक्स खरीद लिए हैं जो मेरे पैर को बहुत प्रॉपरली फिट होते हैं ऑल्सो मैं हर दिन एक सिगार स्मोक करूँगी श्रक पहन लूँगी जो मैंने पहले खरीदा है और इसकी वजह से फिर हमें ठंड नहीं लगेगी एंड देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ यू दैट इज माई लविंग

पेल और जो यू you नो know, बिल्कुल मून लाइट है जो रात की जो रोशनी है वो बिल्कुल पेल हो जाती है बहुत ही सा एक व्यू क्रिएट हो रहा है बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टी अब कंगारू इज अबिट क्या है राइट अब अगर डक प्रॉपरली नहीं बैठेगी तो गिर जाएगी पहली बार में तो कंगारू जो है बहुत अच्छे से उनको समझाते हैं कि मेरी टेल पे स्टडीली यानी कि बहुत आराम से बैठना अच्छे से पकड़ के बैठना ग्रिप अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी बिकॉज नहीं तो तुम गिर जाओगी

एंड हुपी ओह एज दंग से ज्यादा खुश कौन होगा कौन खुश है भाई अभी डक एंड किंगारू तो ये लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे एंड दे जस्ट इंजॉय द राइड क्लियर तो इस पर्टिकुलर स्टैंड में रेडी हूँ आई एम कन्विंस्ड आई वुड टेक यू फॉर ऑन माई बैग बट हीस इज द डू शुड सिट स्टेडली एंड क्वाइटली एट द एंड ऑफ माई टेल सो दैट यू डों

कि भले आप कितने भी छोटे हो और आपको किसी भी बड़े इंसान से कोई हेल्प चाहिए हो आपको चाहते हैं उनसे बोलना अगर आप वो पोलाइटली लविंगली विद ग्रेट अफेक्शन बोलते हो देन डेफिनेटली आपकी कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो पूरी हो सकती है सो हैड अ रिक्वेस्ट जो कि थोड़ी अनयूजल है कोई भी कंगारू को ये नहीं बोलेगा मुझे घुमाने ले जाओ और कंगारू का कन्विंस हो जाना ज समथिंग एल्स बट कैसे होता है बिकॉज डक इज प्रिपेयर विद ऑल दोल्यूशन शी इज वेरी काम वो बहुत ब्यूटीफुली प्यार से रिक्वेस्ट करती है कंगारू से शी इज लाइक आई वुड मेक श्योर की ये सारी चीजें मैं फॉलो करूँ फॉर माई लविंग कंगारू तो इतना ज्यादा लव अफेक्शन और प्यार से वो बोलती हैं तो उनकी ड्रीम जो है वो पूरी हो जाती है सो लाइक दिस डक इज ऑल्सो हैप्पी इन कंगारू इज ऑल्सो हैप्पी टू टेक डक राइट क्लियर सो आई होपो पूरी लाइन ब लाइन एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई है बट हम देखने वाले हैं इस पूरी पोम की कंप्लीट समरी इन द नेक्स्ट वीडियो बट बिफोर दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट्स यू कैन डेफिनेटली गो एंड विजिट मैग्नेट ड्रीम्स चैनल बिकॉज दे यू गेट हंड्रेड परसेंट फ्री क्लास फोर्थ टू ट्वेल्थ ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन सो आई होप आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो फॉर फ्री ब्यूटिफुलियर हो जाएंगे सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट वेरी सून टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय